हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। सभी का केमिस्ट्री क्लास में सभी का स्वागत। कल अपन ने देखा था इलेक्ट्रॉन की खोज, तो इलेक्ट्रॉन खोज से संबंधित एक्सपेरिमेंट अपने कल देख लेते। आज का अपना टॉपिक रहेगा प्रोटॉन यानी धन किरणों की खोज। एनोड किरण कह दीजिए, धन किरण कह दीजिए या प्रोटॉन की खोज। एनोड किरणों या धन किरणों की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे गोल्डस्टाइन। गोल्डस्टाइन इनकी खोज की 1886 का, ठीक। तो उसने एक्सपेरिमेंट कैसे किया, एक्सपेरिमेंट में अपन देखते हैं। उसने एक छिद्र युक्त कैथोड यानी छिद्र युक्त कैथोड एक विसर्जन नलिका क्या है, छिद्रित कैथोड। इधर उसने प्लेग एनोड एनोड ये कैथोड की उसने कंडीशन ये छिद्रित कैथोड था। जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन पर विद्युत विभव लगाया उसने, जैसे विद्युत विभव उच्च वोल्ट के विषय में विद्युत धारा पी, तो उसने देखा कि कुछ कण कैथोड के साथ साथ एनोड की पर भी निकलते हैं। उसने देखा कि कैथोड के साथ साथ एनोड से भी कुछ कण निकलते हैं, जिसकी वजह से जो कैथोड का जो पीछे की हाँ ये दीप्ति यानी कैथोड के जो पीछे का जो क्षेत्र है वहां पर एक हरी दीप्ति उत्पन्न होती है, जिसका कारण क्या था, जो एनोड से जो कण निकल के कैथोड से टकराते हैं, कैथोड की स्थिति छिद्रित थोड़ी पीछे की तरफ गमन करते हैं और एक चमक उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार जो गोल्डस्टाइन थे उसने एक्सपेरिमेंट किया था कि कैथोड के साथ साथ जो एनोड से भी कण निकलते हैं, जिन्हें कहते हैं एनोड किरणें, धन किरणें या प्रोटॉन, ठीक। धन किरणें कैसे क्या, उसने गुण के एक्सपेरिमेंट की, तो गुण के एक्सपेरिमेंट कर उसने कहा कि ये किरणें धनावेश प्लेट की ओर गमन करते हैं, जिस ये निष्कर्ष निकलता है इसका कैसा आवेश होता है, ऋणावेश, ठीक है, सॉरी धनावेश। इन पर कैसा आवेश होता है, धनावेश होता है, जिसे ऋणावेश प्लेट की ओर गमन करते हैं। इसलिए इन जो कण थे, कण जिसको क्या नाम दिया, एनोड किरणें या धन किरणें, और जो गोल्डस्टाइन नामक वैज्ञानिक थे इसने क्या नाम दिया था, प्रोटॉन, ठीक है। जिस प्रकार अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज के एक्सपेरिमेंट, तो आज के लिए इतना ही।